नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते इस बारे में और कई बार एक बड़ा फैसला और एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकने को विवश रह जाते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े हुए क्या है कानूनी प्रावधान। इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर आपको बता देते हैं 8377009645 8377009636। इन दोनों ही नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आखिर आप अगर कानूनी प्रावधान के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये कानूनी प्रावधान हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े क्या है कानूनी प्रावधान, आज ये विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आपकी कोई समस्या है कानूनी प्रावधान, अगर किसी भी विषय पर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। जी हाँ, तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े क्या है कानूनी प्रावधान। जी हाँ, तो इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस विषय में कानूनी जो सलाहकार हैं उनका क्या कुछ कहना है। जो मुद्दा है वो बहुत ही आपसे जुड़ा हुआ है, डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े हुए क्या है कानूनी प्रावधान, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अजय कुमार सिंह है हमारे साथ जो कि अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। अजय जी सबसे पहले ये बताइए कि डिक्लेरेटरी डिक्री होता क्या है। जी, एक विवाद जो होता है वो मालिकाना हक किसी प्रॉपर्टी को लेके एक विवाद होता है कि उसका मालिक कौन है। उस मालिकाना हक की जब लड़ाई शुरू होती है तो एक डिक्लेरेटरी सूट दाखिल होता है कि इसको हमको मालिक डिक्लेयर किया जाए, इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। जब वो सूट दाखिल होता है और वो सूट डिसाइड होता है जिसमें कि ये निश्चित किया जाता है कि फला व्यक्ति अमुक व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसका वही सही उत्तराधिकारी है, सही उसका वो ओनर है, ऐसे स्थिति में जब वो सूट डिक्री होता है तो वो वही उसका डिक्लेरेटरी सूट डिक्री होता है, वही उसकी डिक्री है। ठीक है अजय जी, इस वक्त हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं जो कि मुंबई से जुड़े हैं, ये सवाल पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा कि इनका सवाल क्या है। अमित जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? आज के जमाने में ज्यादा करके करीबी रिश्तेदार ही आए विटनेस होते हैं और कुछ वकील पहले से ही आए विटनेस को समझा देते हैं कि कोर्ट में क्या होने वाला है, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। मेरा सवाल है, क्या कुछ आए विटनेस के बेस पे किसी को सजा हो सकती है? जी अजय जी, इसके जरा एक मिनट सवाल फिर से जरा दोहराइए आप एक बार। अमित जी सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए एक बार। आज के जमाने में ज्यादा करके करीबी रिश्तेदार ही आए विटनेस होते हैं और कुछ आए विटनेसों को वकील पहले से ही समझा देता है कि कोर्ट में क्या होने वाला है, क्या आए विटनेस के बेस पे किसी को सजा हो सकती है? आए विटनेस के बेस पे किसी को सजा हो सकती है?
और पहले से ही तैयार करके आते हैं सब आए। हाँ, आई विटनेस के आधार पर सजा हो सकती है। आई विटनेस बहुत महत्वपूर्ण गवाह होता है किसी भी केस की, और वो जो केस डिसाइड होता है उसमें तमाम बयान लिए जाते हैं, गवाही लिए जाती है, तमाम एविडेंस लिए जाते हैं। उनमें से एक साक्ष्य भी है जो प्रत्यक्षदर्शी होता है किसी भी घटना का, वो घटना स्थल पे मौजूद होता है और घटना को देखता है, वो उस चीज को बताता है और उसके आधार पर निर्णय होता है, उसके आधार पर सजा हो सकती है या मुकदमा छूट सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अमित जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अजय जी, क्योंकि डिक्लेरेटरी डिक्री से हम बात कर रहे हैं कि इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है, एक ये दरअसल एक विवाद होता है जो कि एक मकान मालिक और एक जो वहां रहता है एक मकान में किराएदार, उसके बीच में होता है। अगर इस तरह जो एक किराएदार है वो तकरीबन 5 या 7 साल से रह रहा है, फिर उसके बाद अगर वो उस पर कब्जा कर लेता है, तो किस तरह का ये जो कानूनी प्रावधान होता है मकान मालिक वो अपना सकता है, इसको भी समझाइए थोड़ा। जी देखिए, जो मकान मालिक और किराएदारी का जो डिस्प्यूट है उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनी है, वो किराएदारी अधिनियम बना हुआ है, उसका एक अलग तरीका है। उसमें जब कोई किराएदार काफी लंबे समय तक रहता है, उसके नाम से बिजली का बिल हो जाता है, उस टेलीफोन लगवा लेता है या तमाम इस तरह के वो डॉक्यूमेंट तैयार करा लेता है उस पते पर, और वो बेईमानी की नियत से उसको हड़पना चाहता है, तो वो पजेशन के आधार पे अपना वो मुकदमा दाखिल करता है कि हमको इस मकान का मालिक डिक्लेयर किया जाए, हमने इनको पैसा दे रखा है या कुछ इस तरह का, वो अपना जो भी ग्राउंड लेता है उस आधार पे वो मुकदमा दाखिल करता है उसको मालिकाना हक डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अब आज के तारीख में ये सब पहले हुआ करता था, अब किराएदारों को मालिकाना हक सामान्यतया मिल नहीं पाता, अब उनको मिल नहीं पाता। हाँ, किराएदार के रूप में वो एज ए ह्यूमन बीइंग पूरी डिग्निटी के साथ रहने के लिए वो उसके अधिकारी हैं, उसके लिए वो मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि मकान मालिक जबरन उनको फोर्सिबली अपने घर से बाहर न कर दे, कि रातों रात उनको रोड पे ले आ दे, उनको उनका सामान बाहर रख दे। उन सबसे सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था लाई गई है कि वो एज ए किराएदार रहें और नियमानुसार किराया दें और मकान की देखभाल सुरक्षा करें, उसमें तोड़फोड़ न करें, ये सब व्यवस्था है। ये इस तरह की व्यवस्था है। जब सामान्यतया वो अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, तमाम नजीरें इस तरह से आ गई हैं माननीय न्यायालयों के, कि अब उनका मालिकाना हक उस पर साबित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी बताइए, क्योंकि ये समझाने की यहाँ कोशिश करिए, क्योंकि आप अधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो अक्सर आप मामले देखते होंगे, समझते होंगे, तो डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े हुए कितने मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर इस तरह का विवाद होता है? देखिए, ज्यादातर जो विवाद आते हैं वो जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले आते हैं, कि किसी व्यक्ति की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, किसी के मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, या कोई विवाद हो गया कि नहीं इसके मालिक हम हैं, ये इनकी जमीन नहीं है, ये इनका मकान नहीं है, इन बातों को लेके ज्यादा मुकदमे होते हैं, और ये सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल होता है दीवानी में, और सिविल जज उसमें पक्षों को नोटिस जारी करके दोनों पक्षों को सुन के बाद बिंदु उसमें बनता है, बाद बिंदु डिसाइड करता है और मुकदमे में निर्णय करता है, और ये डिक्लेयर करता है कि कौन इसका वास्तविक कौन मालिक है, कौन इसका किसके पास इसका कानूनी अधिकार है, किसने अपनी केस को साबित किया और किसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये डिसाइड करते हैं सिविल जज। जी जी, और जब वो जजमेंट करते हैं तो जजमेंट के बाद डिक्री होती है, वो डिक्लेरेटरी डिक्री है, उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि अमुक प्रॉपर्टी के मालिक उसके ओनर अमुक व्यक्ति हैं। जी ठीक है अजय जी, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। इस बीच चंदन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। चंदन जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? चंदन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, हम इस विषय पर चर्चा लगातार कर रहे हैं कि डिक्लेरेटरी डिक्री आखिर होता क्या है और किस तरह से इसके जो मामले हैं वो सामने आते हैं। अजय जी, आप बता रहे हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ मसला होता है और उसके बाद एक डिक्लेरेटरी डिक्री सूट दाखिल किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मसला होता है और ऐसे में कितना लंबा जो केस है वो खिंच जाता है, कितने लंबा वक्त तक ये जो केस है वो चलते हैं? देखिए,
देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, विशेष रूप से मैं बताऊं आपको, यहां लोकल लॉज भी बने हुए हैं जमीन से जुड़े हुए मामले में। इसमें क्योंकि दीवानी में प्रक्रिया लंबी है और ये कहा गया है कि कभी कभी जल्दबाजी में न्याय नहीं मिल पाता लोगों को, न्याय मिलने में थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन विलंब से न्याय मिल जाए तब भी ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय हो जाए इसको भी बचाना पड़ता है। और हमारी सीपीसी में जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, जिसको जो पूरा प्रोसीजर डिसाइड इसमें हुआ है, जिसके आधार पर मुकदमे चलते हैं, उसमें ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, उसमें तमाम इस तरह के फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए यूपी में लोकल लॉज भी चलाए गए, कहां जहां कुछ इस तरह के मामले हैं वहां एसडीएम को अथॉराइज किया गया है कि एसडीएम, जैसे कृषि से जुड़ी हुई कुछ जमीनें हैं, किसी जमीनों का कोई उत्तराधिकार का मामला है या किसी जमीन को कब्जे को लेके या उसके मालिकाना हक को लेके डिस्प्यूट है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया है कि वो डिक्लेयर करे कि इसके मालिक कौन हैं। ये कट शॉर्ट किया गया है क्योंकि दीवानी में एक लंबी प्रक्रिया है, मुकदमे ज्यादा है, तो उसमें जल्दी एसडीएम के यहाँ जल्दी हो जाता है, उसमें 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में डिसाइड हो जाता है सामान्यतया। चलिए इस बीच हमारे साथ दीवानी में जो सिविल जज के यहाँ, हाँ, अब बात पूरी करिए, वहाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि प्रक्रिया लंबी है। जी इस बीच हमारे साथ चंदन कुमार जुड़ गए हैं बिहार से। चंदन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैम। सर अपना सवाल पूछिए। पूछ रहे ना कि मम्मी के नाम से जमीन था, समझे ना, तो वो जमीन मतलब मम्मी डेट कर गई, तो वो जमीन को हम पापा के नाम ट्रांसफर कराना सोच रहे हैं, मतलब मोटेशन, तो हो पाएगा? ठीक है अजय कुमार जी, सवाल आप सुन चुके हैं जी। इनके लिए जब कोई भी ओनर मरता है तो उसका सक्सेशन का पूरा क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर कोई महिला मरेगी तो सक्सेशन में किसको किसको मिलेगा, वो क्रम मिला हो बना हुआ है। अगर पुरुष मरता है तो उसके लिए क्रम बना हुआ है। इनके लिए आवेदन करना होगा, इनकी जमीन इनके पिता भी पाएंगे और इनको भी हिस्सा मिलेगा, दोनों लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एक क्राइटेरिया है और आपको वो जो प्रक्रिया है वो फॉलो करनी होगी, उसके बाद ही आप प्रोसीजर के तहत ही आगे अपना काम करवा सकते हैं। अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि डिक्लेरेटरी डिक्री की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ मसला होता है और अगर एसडीएम के पास ही पूरा मामला जाता है तो 3 से 6 महीने के अंदर ये जो पूरा मामला है वो निपट जाता है, उसमें फैसला आ जाता है। लेकिन आप हमें ना स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्स इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो तो किस तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप चलना है वो हमें बताइए। देखिए डिक्लेरेटरी सूट में आपको इस साबित करने के लिए आपको पहले एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप अपने आप को मालिक कैसे साबित करते हैं, और मालिक साबित करने के लिए आपको दस्तावेजी साक्ष्य देने पड़ेंगे मौखिक साक्ष्य के अलावा भी, और उसमें अगर आप ये साबित कर देते हैं कि नहीं ये जमीन के मालिक हम हैं और ये जमीन मुझको मिलनी चाहिए, तो फिर उनको जीत मिलेगी, अदरवाइज की स्थिति में जीत नहीं मिलेगी। जहां पे जिसके नाम से खतौनी बनी हुई है, जो मौके पे काबिज है, अगर वो साबित कर देता है कि नहीं इसके मालिक हम हैं, तो डिक्लेरेटरी सूट में आदमी जीत नहीं पाता है। अजय जी, साबित करने के लिए ऐसे कौन कौन से तथ्य सामने रखने पड़ते हैं, उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए उसमें दो तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि अचल संपत्ति से जुड़े हुए मामले होते हैं तो उसमें मकान का होता है और खेती वाली जमीनें होती हैं, या खेती से जुड़ी हुई जमीनें, अन्य जो जमीनें हैं, या ग्राम सभा की तमाम जमीनों को लोग क्लेम करते हैं, उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा अगर खेती जुड़ा हुआ तो उसमें पुराने जमाने से लेके अब तक के कि कितना कौन कौन सा आपके पास पेपर है, आपके पूर्वजों के नाम कौन सा पेपर है, कहां कौन सी त्रुटि ऐसी हो गई जहां से आपके नाम कट के दूसरे के नाम जमीन दर्ज हो गई और उसमें किसी रेवेन्यू अथॉरिटीज की त्रुटि की वजह से हो गई, अदरवाइज उसके मालिक आप होते, ये साबित करने पड़ेंगे। आपको खसरा है, खतौनी है, पुराने समय के, आपको चकबंदी के पीरियड के या उससे पहले के समय के जब सेटलमेंट हो रहा था उस समय के सब दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। मकान अगर है तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि जमीन कैसे आई, मकान किसने बनवाया, किसके नाम से नगर पालिका में दर्ज है या किसी जिला पंचायत में दर्ज है, ये सब आपको साबित करने पड़ते हैं। इन सब पेपर को आपको लगाने पड़ते हैं और साबित करने पड़ते हैं, तब जाके आपके पक्ष में मुकदमा होता है और आपके पक्ष में डिक्री होती है। जी ठीक। अजय जी, डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान क्या है ये भी हमें बता दीजिए।
देखिए डिक्लेटरी डिक्री से जुड़े हुए प्रावधान हैं कि जब भी सूट सीधा सीधा सिद्धांत है कि जब किसी व्यक्ति के सिविल राइट को जब डिसाइड किया जाता है, जमीन में मालिकाना हक जब डिसाइड किया जाता है और उसमें जब जजमेंट होता है, निर्णय जिसको हम कहते हैं, उस निर्णय की परिणित है डिग्री। निर्णय में सिर्फ डिसाइड होता है कि कौन किसके पक्ष में मुकदमा फाइनल हुआ, क्या डिसाइड हुआ, लेकिन डिक्री एक ऐसी चीज है जिसमें कि उस मुकदमे का डिटेल भी होता है कि मुकदमा में क्या क्या इनका ग्राउंड रहा, मालियत कितने की थी, वैल्यूएशन उस जमीन की कितनी थी, जजमेंट कौन सी बात के लेके हुआ और किसके पक्ष में हुआ, ये सब चीजों का सार जो है वो डिक्री होता है। चलिए इस बीच हमारे साथ कल्याण सिंह, जजमेंट और डिक्री में अंतर भी है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ कल्याण सिंह जुड़ गए हैं देहरादून से। कल्याण जी सवाल पूछिए अपना। जी मैम, हमारे पास ना जैसा मेरे फादर थे तो मेरे फादर की तो डेथ हो गई, तो जैसे ये पिछले कोटे वालों की कुछ जमीन थी तो बहुत पुरानी बात है, उसमें उन्होंने काफी टाइम पहले मतलब 40 साल की उम्र मेरी हो गई, तो उससे पहले उन्होंने ली थी वो। ठीक है, तो वो जमीन जो है मैडम रजिस्ट्री कैसे करनी होगी हमारे को, मैं ये डिसीजन लेने उनको के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है अजय जी, 40-45 साल पुरानी जमीन है, उसकी रजिस्ट्री कैसे करवानी होगी ये इन्हें बता दीजिए। 40-45 साल पुरानी जमीन है और अगर इनके पास उसका डॉक्यूमेंट है कि इसके अमुक व्यक्ति इसके मालिक हैं, तो उसका आसानी से उसका बैनामा हो जाएगा, उसमें बैनामे क्या दिक्कत। अगर वो जमीन सिर्फ कब्जे के आधार पर जमीन बैनामा नहीं होगा, इनको साबित करना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के यहाँ कि ये इसके मालिक हैं, कागज दिखाना पड़ेगा, वहां खतौनी दिखानी पड़ेगी, खतौनी आजकल लगती है, और अगर मकान है तो मकान का आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट कि हमारे नाम से मकान ये दर्ज है, ये सब दिखाना पड़ेगा, तो फिर ये इनके नाम बैनामा हो जाएगा और इनके नाम खारिज दाखिल भी हो जाएगा। ठीक, अगले दर्शक हमारे साथ महेश है फरीदाबाद से। महेश जी क्या है आपका सवाल? तो यहाँ हम तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपका जो सवाल है वो हम तक ठीक तरीके से पहुंच पाए और हमारे जो कानूनी सलाहकार है वो भी आपका जो सवाल का जवाब है वो ठीक तरह से दे पाए। अजय जी, क्योंकि हम बात अभी कर रहे हैं डिक्लेरेटरी डिक्री की, तो क्योंकि आप भी अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और ऐसे में अक्सर इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे होंगे? वाकई इसलिए हमने ये सवाल उठाया है आज और इसीलिए ये मुद्दा उठाया है कि डिक्लेरेटरी डिक्री से जुड़े, क्योंकि कानूनी प्रावधान हर कोई इंसान नहीं जानता है। ऐसे कितने परसेंट लोग होते हैं जो कि इस तरह की समस्या से जूझ रहे होते हैं, जो अपनी जमीन होती है इस पर कोई दूसरा आकर कब्जा कर लेता है, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते होंगे? इन चीजों को देखा जाए तो ग्रामीण अंचल में बहुतायत मुकदमे आते हैं, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी बातों को लेके, जमीन पे छोटे थोड़े से टुकड़े पे कब्जा करने को लेके, मेड़ का मामला है, नाली का है, नाबदान का है, सहन का है, जो घर के सामने ठीक आपके सामने की जमीन होती है, इन सब चीजों को लेके बहुत विवाद होता है और उसमें ज्यादातर पजेशन को लेके डिस्प्यूट होता है। जहां तक डिक्लेरेटरी डिक्री का मामला है, डिक्लेरेटरी सूट का मामला है, उसके मामले उसकी तुलना में कम आते हैं, क्योंकि इसमें मालिकाना हक डिक्लेयर कराना होता है, आपको उद्घोषित कराना होता है कि हम इसके मालिक थे और हमको गलत तरीके से डिप्राइव किया जा रहा है हमारे अधिकारों से। उस बात को लेकर जब डिक्लेटरी सूट दाखिल होता है तब वो मामले ही डिक्लेटरी डिक्री की परिधि में आते हैं जब डिसाइड होते हैं, इसलिए इसकी जो संख्या है वो थोड़ा कम है अन्य सिविल सूट की तुलना में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, आपने डिक्लेरेटरी डिक्री को विस्तार से समझाया हमारे दर्शकों को और ये भी बताया कि इसके कानूनी प्रावधान क्या है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।